Alright guys, what is up everyone? Welcome back to the channel. I hope you are doing absolutely amazing. So guys, first of all, I just wanted to tell कि भाई आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते फिर तो प्लीज़ मैं आप लोगों से बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट जो है वो डेली अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग जो है वो क्रिप्टो के जाल के अंदर फंस ना जाए और मैं आप लोगों को सारी की सारी जो माइनिंग के रिलेटेड है, क्रिप्टो के रिलेटेड जो न्यूज़ है उससे अपडेट करवाता रहता हूँ। तो प्लीज़ पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अब मैं बात करने वाला हूँ कल की वीडियो के बारे में कि जिसके अंदर मैंने सोलर माइनर की जो एक थंबनेल थी मैंने वो यूज़ करी थी और उसके अंदर बोला था कि क्या यूज़र्स को बोला था कि भाई आप लोग जाके पूछे कि भाई क्या आप हमें $2200 जितना अर्न करके दिखा सकते हो। तो भाई एक्चुअली उसका रीज़न ये था दिखाने का, मतलब यूज़र्स को अवेयर करवाना था कि भाई आप जो है यूज़र्स खुद अपना दिमाग लगाए, उसके बाद जो है कहीं पे भी इन्वेस्ट करना है तो वो करें। क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारे जो है कई बार यूज़र्स के हम लोगों ने जब लाइव करा था तब बहुत सारे यूज़र्स ने जो है वो पूछा था कि भाई हम लोग कौन सा कंपोनेंट लें, किस तरीके से इन्वेस्ट करें, क्या करें चिया के लिए। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता कि अभी एक्चुअल में चीज़ें चालू ही नहीं है। उन्होंने जब वीडियो डाली थी तो उसके अंदर भी उसने यही बोला था जो मैंने अपने वीडियो में बोला था कि अभी एक्चुअली प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही कम है, जो एक एक्चुअली लक जैसा ही चल रहा है। तो उसी के ऊपर मैंने वीडियो डाली थी कि भाई यूज़र्स आप खुद समझो कि भाई अभी एक्चुअल में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है तो आप इन्वेस्ट करना क्यों चाहोगे जिस चीज़ के अंदर। तो उसी के ऊपर वीडियो थी और उसी के बाद ही मैंने उस पॉइंट से भी बताना चाहा था यूज़र्स को कि भाई आज मैं अपनी वीडियो के अंदर भी डाल लेता हूँ कि भाई आप कमाओ अर्गो कॉइन माइन करके आप कमा सकते हो 23,000। बट डज नॉट मीन कि आपके पास भी वही कार्ड है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ कि मैं 3 कार्ड से 23,000 कमा रहा हूँ, तो क्या डज नॉट मीन कि आप भी 23,000 कमा लोगे। तो ये पर्टिकुलर यूज़र्स के ऊपर आ जाता है कि क्या वो कमा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स ये भी मान लेते हैं कई बार कि भाई इस बंदे ने डाला है, मतलब महीने पहले की वीडियो देखते हैं और बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि उनके पास ये टेक्निकल नॉलेज कई बार नहीं होता है कि भाई हाँ कि पर्टिकुलर कार्ड मैं ले लूँगा तो उससे इस महीने के अंदर वो बंदे ने तो इतना माइन करा था तो क्या ये महीने के अंदर मैं माइन करूंगा तो मुझे उतना ही प्रॉफिट मिलेगा, तो वो नॉलेज नहीं होता। उसकी वजह से मिसकन्फ्यूजन्स वगैरह क्रिएट होते हैं उनके माइंड के अंदर भी। वही दूर करने के लिए मैंने जो है वो वीडियो डाली थी, हल्का सा एक कमेंट मतलब कॉमेडी जैसा करा था, वो गलत था मेरे हिसाब से, बट चलो ठीक है। तो आई अपोलोजाइज टू सोलर माइनर कि भाई हाँ मैंने उनकी वीडियो के ऊपर हल्का सा ये कमेंट करा था, सो आई एम सॉरी अबाउट इट। आई होप आप लोग आपको जो है वो बुरा नहीं लगा, अगर बुरा लगा तो आई एम सॉरी अबाउट इट। तो चलिए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं मेरे अर्निंग के बारे में कि जो मेरा मई महीने का जो अर्निंग था वो कितना हुआ उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, वो मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। बहुत ही छोटे क्विकली दिखा देता हूँ मई महीने के अंदर अपना जो अर्निंग हुआ, तो ये लास्ट में दिखा देता हूँ 31st का अर्निंग बाकी रहता था। तो 31st के अंदर हमने माइन करा 0.0300 अपना पे आउट आया और उसके बाद 2 ERG अपने को रिवॉर्ड में मिले थे। तो नैनो पूल का दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे पहले तो 2 ERG मैंने कल वीडियो में दिखाया था कि भाई एक ERG का पेमेंट आया, दूसरा ERG आ गया। और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ ईथर माइन के अंदर, तो ईथर माइन के अंदर यहाँ से 7th से अपना चालू हुआ था 7, 14, 20, 23 और 31, तो उस हिसाब से पेमेंट आया। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपना अमाउंट है 0.0300, यहाँ पे अपना अमाउंट मैंने 0.0300 कर दिया, 2 ERG कर दिया, उसकी INR वैल्यू है यहाँ पे। तो अगर मैं इस हिसाब से देखने जाऊँ ना तो यहाँ पे जो मैं आगे वीडियो में बोल रहा था कि भाई यूज़र्स को ये चीज़ समझनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ तो अगर मैं बोल दूँ कि 44,000 मिल जाएंगे तो एक्चुअली है नहीं, वो मेरी बेवकूफ़ी होगी अगर मैं आपको दिखा दूँ ऐसा, और आपकी बेवकूफ़ी भी हो जाएगी, आप भी मान लो ऐसा। क्योंकि यहाँ पे ये मैंने पुराने वीडियोस में दिखाया था कि यहाँ पे उस दिन की वैल्यू 44,000 थी, डज नॉट मीन कि आज इथेरियम की वैल्यू 44,000 है। अगर मैं 0.05 को मैं लिख देता हूँ 0.05 ETH to INR, तो वो हो जाता है 9,523, तो यहाँ पे है 12,000। तो अगर आज की वैल्यू के हिसाब से अगर मैं गिनूँ तो वो होता है 36,000 टोटल इनकम फॉर मई महीना, ठीक है, मई के महीने का टोटल इनकम मेरा हो जाता है 36,987 रुपीज़। तो ये मेरा मई महीने का टोटल अर्निंग है। तो वही मैं चीज़ आप लोगों से क्लियर करना चाहता था कि भाई अगर मैं अपने वीडियो के मैं अपने वीडियोस के अंदर दिखा रहा हूँ कि भाई आप इतना कमा सकते हो तो डज नॉट मीन कि आप भी उतना ही कमा सकते हो। आपको अपने पर्टिकुलर कार्ड को देखना पड़ेगा कि भाई आपके पास कौन सा कार्ड है, किस तरीके से आप माइन कर रहे हो, कौन से OS में माइन कर रहे हो, कौन सा माइनर यूज़ कर रहे हो, वो भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप T-Rex की जगह फीनिक्स माइनर यूज़ कर रहे हो तो उसमें भी हल्का सा फ़र्क पड़ता है, ओवरक्लॉकिंग में फ़र्क पड़ता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स इसके अंदर काम करते हैं, उसके बाद जो है वो चीज़ें अलग अलग निकल के आती है। दूसरी बात ये भी होती है कि आपके कार्ड अलग होते हैं, हर एक जो सिंगल कार्ड होते हैं, मेरे तीनों कार्ड है उसमें से 2 कार्ड जो है वो अगर मैं बोल सकता हूँ कि 48.50 पे माइन करता है, दूसरा जो है वो हमेशा से 47 के ऊपर जा ही नहीं सकता।
तो तीनों भले एक ही साथ मैंने लिए थे लेकिन तीनों के अंदर भी इतना डिफरेंस है, तो मतलब उस कार्ड को मैं कितना भी ओवरक्लॉक करूं वो रिस्टार्ट हो जाता है और उसके ऊपर से वो जाता ही नहीं है। तो हर एक का सिलिकॉन, उसका जो चिप है वो भी डिफरेंस होता है। तो अगर आप MSI का यूज़ कर रहे हो, मैं अपना INO3D का यूज़ कर रहा हूँ, तो दोनों दोनों के अंदर ओवरक्लॉकिंग का भी उतना ही फ़र्क होगा, ZOTEK है तो उसका भी फ़र्क होगा। तो ये सारे सेक्टर फैक्टर्स बहुत सारे काम करते हैं इन सारी चीज़ों के पीछे। उसके बाद जो है वो अर्निंग वगैरह भी जो डिफर करता है। उसके अलावा दोस्तों दूसरी बात ये भी होती है कि जिस दिन का प्रॉफिट होता है उसी दिन का गिनना चाहिए। यहाँ पे जैसे मैंने लास्ट मंथ का दिखाया था अप्रैल महीने का, तो अप्रैल महीने का ये प्रॉफिट था, लेकिन आज के दिन के हिसाब से मुझे ये BTC की वैल्यू जो है वो रिकैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि ये जो है 6,142 है, तो यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ BTC to INR, तो आज कितनी चेंज हुई है, तो 38.33 हुई है आज, 38.33। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ जो है वो चेंज करनी पड़ेगी, तब जाके मुझे आधी हो गई है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 6,000 मिले थे हमें, तो यहाँ पे अब आधा हो गया है। तो अगर मैंने उस दिन ये माइन कर लिया होता, सॉरी निकाल लिए होते पैसे, तो मैं ये गिन सकता हूँ कि भाई हाँ मेरे 27,000 उस महीने में बने होंगे। बट आज की डेट के हिसाब से अगर गिनूँ तो वो गलत हो जाता है। तो यही चीज़ गाइज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था कि भाई हाँ, आप एक तो मैं शेयर करना चाहता था कि मेरा ये महीने का अर्निंग कितना हुआ, और दूसरी चीज़ ये शेयर करना चाहता था कि भाई आप लोग जब भी कैलकुलेशन वगैरह करो तो ये चीज़ ध्यान में रखो कि भाई कोई भी वीडियो के अंदर दिखाता है कि भाई मैं अगर मैंने आज दिखाया, अगर मैंने आज के वीडियो के अंदर टाइटल डाली कि आप 35,000 कमा सकते हो पर महीने, डज नॉट मीन कि आपके कार्ड से भी 35,000 ही निकलेगा, या आप भी जो है नेक्स्ट महीने अगर ये वीडियो देख रहे हो तो शायद 18,000 भी निकल सकता है, शायद 60,000 भी निकल सकता है। तो ये दोनों का बहुत बड़ा फर्क है। तो आई होप ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा, और अगेन अपोलॉजीज टू सोलर माइनर और बहुत सारे यूजर्स को भी अगर मैंने मिस कन्फ्यूजन अगर क्रिएट करा है। तो अब बात कर लेते हैं कल की वीडियो जो आने वाली, उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई अनमाइनेबल हो गया, नैनो पूल हो गया, या तो फिर नाइस हैश हो गया, तो तीनों में से कौन सा बेस्ट है, कौन से अंदर माइन करना चाहिए, बिगिनर जो यूजर्स हैं उनके लिए खास है कि भाई आप किसके अंदर माइन करेंगे, और दोनों के जो माइनिंग करते हैं तो यहाँ पे इतना फर्क क्यों आता है, जैसे यहाँ पे 913 है, यहाँ पे 956 है आज के रेट के हिसाब से, तो ये फर्क क्यों है, तो वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे स्पेशली फॉर न्यू यूजर्स के, जो जो लोग नए हैं माइनिंग के अंदर, जिनको पता नहीं है कि भाई दोनों के अंदर कौन सा चूज करें और किसके अंदर माइनिंग सबसे ईजीएस्ट एंड सबसे बढ़िया तरीके से होता है, तो वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को गाइज ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये वीडियो को लाइक कर दो। और दूसरी बात गाइज, मैं ये मंथ जो है अपना बहुत अच्छे, अपने आप लोग सपोर्ट कर रहे हो चैनल को, तो ये मंथ के अंदर, ये मंथ के एंड के तक अगर अपने चैनल के अंदर 1,000 सब्सक्राइबर हो गए तो मैं थ्रेड रिपर का बिल्ट बनाने वाला हूँ। तो ये अगर 1,000 सब्सक्राइबर हो गए ये मंथ के एंड तक, तो ही आप लोगों को ये मैं दिखाऊंगा अपना नया चिया का बीस्ट बनाएंगे हम लोग चिया माइनिंग के लिए, तो वो पूरा का पूरा मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से माइनिंग मतलब बिल्ट पूरा करेंगे थ्रेड रिपर, और या तो फिर अगर आप बोलोगे तो मैं 5950 ले सकता हूँ AMD का, तो दोनों में से जो रिक्वेस्ट ज़्यादा आएगी उसके ऊपर हम लोग बनाएंगे पूरा का पूरा सिस्टम, किस तरीके से बनाना है सारा विद कंपोनेंट्स एंड डिटेल, कौन सी चीज़ क्यों लेनी है वो सारी डिटेल के साथ करेंगे अगर 1,000 सब्सक्राइबर का अपना अपना जो टारगेट है वो खत्म हो जाता है। तो सो गाइज प्लीज़ विदाउट एनी डिलेज अभी अभी सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो गाइज वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।